हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। पंजाबी किचन में आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं मिंट जूस, यानी कि पुदीने का जूस, जो कि हम सबको पता है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा ठंडक देता है पुदीना, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत बढ़िया है। तेजाब वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती और पेट में जलन भी नहीं होती। आप जितना गर्मी में पुदीना जूस करोगे उतना आपकी सेहत है वो अच्छी रहेगी। तो आज मैं आपको वही सिखाने जा रही हूँ कि हम अपने घर पर ये पुदीने का जूस कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये देखिए, मैंने एक कटोरी ये पुदीना लिया है और इसको अच्छी तरह दो तीन बारी मैंने पानी से वॉश कर लिया है। ये देखिए, इतनी इतनी पत्ती ली है। मैंने थोड़ी सी डंडल भी ली है, क्योंकि डंडल में इसके बहुत रस होता है और ये इसके बहुत बेनिफिट होते हैं हमारी सेहत के लिए। अब इसके अलावा ये देखिए, मैंने दो नींबू का सत निकाल लिया है, और इसके अलावा ये देखिए, एक नींबू को मैंने ऐसे पत्ते पत्ते स्लाइस में काट लिया है। उसके अलावा ये आधा टीस्पून मैंने काला नमक लिया है, और आधा टीस्पून ही ये देखिए मैंने काली मिर्च ली है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने एक मिक्सिंग जार ले लिया है, उसमें मैं जो ये हमारा जो पुदीना है वो डाल दूँगी, ये देखिए। और इसी के साथ ही जो हमने ये नींबू का सत निकाल रखा है वो भी डाल दूँगी। ये हम खट्टेपन के लिए डाल रहे हैं कि जो हमारा लेमन जूस है वो खट मीठा बन के, सॉरी, जो मिंट जूस है वो खटपटा बन के रेडी हो, इसलिए हम इसमें ये लेमन डाल रहे हैं। अब इसी के साथ ही ये काला नमक डाल दिया मैंने, और इसी के साथ ही ये काली मिर्च डाल दी है मैंने। अगर आप काली मिर्च नहीं या हरी मिर्च पसंद करते हो तो एक हरी मिर्च भी डाल सकते हो, छोटे वाली, लेकिन काली मिर्च भी हमारे जो सेहत के लिए है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मैंने आधा स्पून काला नमक डाला है, तो ये देखिए आधा स्पून मैं वाइट वाला नमक डाल दूँगी। अब पहले सभी इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए हमारा जो पुदीना है उसका, ये देखिए मैंने उसको अच्छी तरह पीस लिया है और उसका पेस्ट बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए इसका कलर भी आप दे सकते हो। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी के, अगर आप पाउडर शुगर यूज़ करना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो कि चीनी को पीस के, लेकिन इसे हमने अभी और ग्राइंडर जार में करना है, पीसना है, तो हम ऐसी साबुत चीनी भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें ये दो बड़े स्पून चीनी डाल दी है, और इसी के साथ ही अब मैं इसमें एक गिलास पानी डाल दूँगी और आधा गिलास और डालूँगी। मैंने इसमें एक गिलास पानी डाल दिया है, अब मैं इसमें ये देखिए आधा गिलास और पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें ये आइस क्यूब डाल दूँगी। अब मैं इसको फिर से मिक्सिंग अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए हमारा जो मिंट जूस है वो बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना यम्मी और टेस्टी लग रहा है। अब मैं इसको ये देखिए इस कांच के जग में निकाल लूँगी। मैंने इसको छाना नहीं है, क्योंकि पुदीने का अगर फ्लेवर मुंह में आए तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा जो मिंट जूस है वो बनके रेडी हो चुका है। अब जो मैंने ये स्लाइस लिए थे, ये देखिए लेमन के, अब इसके बीच में मैं डाल दूँगी, इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, अभी हम इसको सर्व करने के लिए पहले मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने थोड़ी सी ये आइस ले ली है। अब मैं इसको इस मलमल के कपड़े में रख के ये देखिए बेलने के साथ इसको क्रश कर लूँगी। वैसे तो मिक्सिंग जार में क्रश हो जाती है, लेकिन उसमें फिर उसका पानी सा निकल जाता है। आप अगर इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही मलमल के कपड़े में डाल के इसे ऐसे हल्का दबाते हुए क्रश कर लीजिए। हमारी जो आइस है वो कितनी अच्छी तरीके से क्रश हो चुकी है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने एक गिलास रख लिया है और बर्फ़ मैंने ये देखिए एक बाउल में निकाल ली है। अब इसमें मैं अपनी क्रश करी हुई बर्फ़ पहले डालूँगी। इसको आधा आपने करना है इसके साथ, ऐसे जो हम बर्फ़ क्रश करके डालते हैं तो वो पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए, ये देखिए आधा गिलास मैंने इसमें डाल दिया है, वो हमारा ये मिंट जूस है, मैं उसके बीच में ये डाल दूँगी।
इसके ऊपर जो ये देखिए मैंने एक नींबू की एक स्लाइस रख ली थी, अब इसके लिए ये देखिए ओनली डेकोरेशन के लिए। ये देखिए ये हमारा टेस्टी टेस्टी और यम्मी मिंट जूस बनके रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये मिंट जूस की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।